हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया चौहान यूट्यूब चैनल। आज की इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस कैसे, जैसे कि हम किसी से सवाल जवाब करते हैं इंग्लिश में कि आपने क्या किया, ये वो फलाने का, तो इंग्लिश में किस प्रकार से लोगों को सवाल जवाब करना चाहिए आज की क्लास में हम वो सीखेंगे इंग्लिश में, सवाल भी और जवाब भी, क्वेश्चन आंसर दोनों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर मैं कहूँ कि आज आपने नाश्ते में क्या किया, तो इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोलेंगे हम, व्हाट डिड यू ईट इन ब्रेकफास्ट टुडे। अब इसी को हम रिप्लाई में क्या बोलेंगे, आई ऐड पटाटो पराठा इन ब्रेकफास्ट टुडे। ठीक है, ये मैंने फॉर एग्जांपल अपना लिया आलू का पराठा का। ठीक है, तो आपने जो भी किया आप उसको ले सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आपका लक्ष्य क्या है, तो आपको क्वेश्चन करना है व्हाट इज योर एम। अब इसको हमें रिप्लाई में क्या करना है, रिप्लाई में करना है माय एम इज टू बी अ, जो भी आपका हो तो मेरा ये सक्सेसफुल ट्रेनर। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अपना बोलना है माय एम इज टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेनर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने एग्जाम्पल्स लेंगे और हमें देखना है कि किसी ने हमसे क्या पूछा है, तो उसको हमें उसके क्वेश्चन में ही उस अपना आंसर देना है, इस प्रकार से देना है जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। हम नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा आपका जन्मदिन कब है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज योर बर्थडे। अब इसका हमें रिप्लाई करना है माय बर्थडे इज ऑन, जो भी हो आपका मेरा है 4th जुलाई। ठीक है, तो इसको बोलना है माय बर्थडे इज ऑन 4th जुलाई। ठीक है गाइस, इस प्रकार से आपको अपना बर्थडे बताना है, जो भी आपका डे हो। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, विस्तार से समझाइए, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाई यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो इसको हम इंग्लिश में आंसर कैसे देंगे, आई वांट टू लर्न इंग्लिश टू बिकम ऑन इंग्लिश टीचर। ठीक है गाइस, इस प्रकार से हमें अपने हिसाब से कोई भी देना है, तो मैंने ये फॉर एग्जाम्पल लिया है टीचर का। ठीक है, तो आप जो भी बनना चाहते हैं आप अपने हिसाब से वो इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं और आप इसको नोट करते जाएं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ इस वर्ष आपने क्या क्या योजना बनाई थी, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ऑल डिड यू प्लान फॉर दिस ईयर। अब इसको आपने जो भी प्लान में योजना बनाई है वो बताएंगे, अगर योजना नहीं बनाई है तो आप बोल देंगे आंसर में नो आइडिया। ठीक है गाइस, इस प्रकार से, और जो भी आपका प्लान हो तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक एवं शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।